नमस्कार दोस्तों, तो चलिए फिर मैं आया हूँ काफी दिनों बाद और आपको एक बड़ा अच्छा प्लांट दिखाता हूँ जो बहुत ही फेमस है। एक्चुअली है तो ये यहाँ का नहीं है, पर यहाँ पर भी हमारे गोरखपुर शहर में या यूपी में भी पाया जाता है, ज्यादातर लोग गार्डन्स में लगाते हैं अपने, और उस प्लांट्स को कहते हैं सिंदूर का प्लांट्स। तो बड़ा ही नेचुरल वाला प्लांट्स है और सिंदूर का प्लांट्स है, तो चलिए आपको दिखाते हैं ये है क्या। आइए देखते हैं, ये आप देख रहे होंगे ये सिंदूर की बहुत सारी पत्तियां हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये सिंदूर का एक ऐसा, आप देखिए ये सिंदूर का कितना सुंदर और कितना प्यारा सा इसका कैप्सूल बना हुआ है। अब पूरा वृक्ष है जो ये सिंदूर का ऐसे निकला हुआ है, इसे सिंदूर का वृक्ष कहते हैं। इसको हम उरुक्कम कहते हैं, इसको कॉमनली जो है उरुक्कम है, और इसका वनस्पतिक जो नाम है वो बिक्सा ओरिलाना है, और ये बिक्सेसी फैमिली का है। इसका वनस्पतिक नाम आपको पता है, इसका बिक्सा ओरिलाना यानी बिक्सेसी फैमिली का है। बड़ा ही यूनिक पौधा है और ज्यादातर ये साउथ अफ्रीका का नेटिव प्लांट है और ये अमेजन रीजन में स्पेसिफिकली ज्यादातर पाया जाता है। और इसका सीड्स जो होते हैं, इसके अंदर सीड्स होते हैं, आप देख रहे होंगे मेरा हाथ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको तोड़ के देखा था, तो बड़ा ही सुंदर सा इसका सीड होते हैं इसके अंदर, जिसका इस्तेमाल होता है इसके बीजों का, इसके पत्तियों का, क्योंकि पत्तियों का इस्तेमाल होता है जो कि एंटीबायोटिक, एंटी डायरल, ठीक है, एंटी डायबिटिक्स भी प्रॉपर्टीज रखते हैं, और साथ ही साथ इसकी पत्तियां इंसेक्ट रिपेलेंट होती है, मतलब ये कीड़ों को भी भगाने का काम करते हैं। इसका इस्तेमाल बेकरी इंडस्ट्रीज में, आइसक्रीम फैक्ट्रीज में, जूस बनाने में, सूप बनाने में, मेयोनीज बनाने में, चीज बनाने में भी किया जाता है इसके सीड और पत्तियों का और पल्प का इस्तेमाल। ये पूरा सीड और पल्प मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लीव्स जो होते हैं, इसकी जो पत्तियां हैं आप देख रहे होंगे, इसकी जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां जो है कफ में यानी ब्रोंकाइटिस में, गला अगर खराब हो, आई इन्फ्लामेशन में, सूजन हो, तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप किसी वैद्य की सलाह जरूर लें, ये रिसर्च पे आधारित मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। तो बड़ा ही सुंदर प्लांट है, आप इसके गार्डन में भी अपने रख सकते हैं। इसके अंदर एक डाई का इस्तेमाल, ज्यादातर इसको डाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, येलो और रेड तरह की डाई पाई जाती है। उरुक्कम मतलब भी होता है रेड, जिसे उरुक्कम कहते हैं उसका भी मतलब रेड होता है, और ये ओरेलिन और बिक्सिन नामक दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, और इसका सीड जो होता है काफी एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक और एंटीबायोटिक भी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक सीड तोड़ करके, ये इसके सीड्स होते हैं ऐसे, और जब आप इस सीड्स को ऐसे खोलेंगे तो इसमें छोटे छोटे ऐसे सीड्स मिलेंगे। अभी ये थोड़ा इमेच्योर है, तो अभी देखेंगे आप कितना अच्छा सुंदर सा कलर निकल रहा है। तो ये नेचुरली है, यानी ये नेचुरली आपको बिक्सेसा और सिंदूर का फैमिली है जो हमारे वहाँ इस्तेमाल होता है ज्यादातर अदर कंट्रीज में या फॉरेन में, जमैका में, नाइजीरिया में, चाइना में, जापान में, साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी जगहों पे ट्रेडिशनली लोग मेडिसिन के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं फिर मिलूंगा आपको एक नए प्लांट्स के साथ, तब तक आप इस सिंदूर के पौधे को लगाएं और अच्छे वृक्ष भी लगाएं अपने घरों में, वनों को सहेजें। जय हिंद, जय।